महादेव का त्रिशूल, विष्णु के सुदर्शन और इंद्र के कवच, कैसे हुआ इन विनाशक अस्त्रों का निर्माण? कौन थे जिन्होंने देवताओं के ग्रह, अत्याधुनिक रथ और पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ जैसा अतुलनीय भवन का निर्माण किया? शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को यह ज्ञात हो, जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं। महादेव के त्रिशूल से लेकर परशुराम का फरसा, सोने की लंका और इंद्रप्रस्थ जैसे शानदार भवन के निर्माता ब्राह्मण कुल में जन्मे विश्वकर्मा जी ने किया है। दरअसल भगवान विश्वकर्मा देवों के आचार्य तथा आठ प्रकार की सिद्धियों के पिता माने जाते हैं। उन्होंने देवों के लिए सुंदर आभूषण और दिव्य विमानों के निर्माण के साथ ही इंद्र, यम और वरुण आदि देवताओं की विशाल सभाओं का निर्माण किया। स्कंद पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि की रचना के बाद ब्राह्मण कुल में पैदा हुए भगवान विश्वकर्मा शिल्प विद्या के प्रकाशक तथा देवताओं के आचार्य हैं। उनकी शिल्प कला से ही प्राणी का पालन पोषण होता है। कहा जाता है कि देव और दानवों में समय समय पर युद्ध चलता ही रहता था। कभी देवों का पलड़ा भारी होता तो कभी राक्षसों का। एक बार हुआ यह कि वृतासुर नामक एक महाबलवान राक्षस था। वह इतना बलवान था कि उस पर इंद्र देवता के वज्र का भी कोई असर नहीं होता था। देवताओं की हार होता देख भगवान विश्वकर्मा ने दधीचि की रीढ़ की हड्डी से 100 आरी वाला सृष्टि का अजय अस्त्र वज्र बनाकर इंद्र देवता को दिया। इस वज्र से इंद्र देवता ने वृतासुर का वध किया। भगवान विश्वकर्मा ने इसके अलावा देवों के लिए स्वयं चलित विमान भी बनाए। साथ ही उन्होंने सुंदर उपवनों, जलाशयों, विहार वाटिका आदि की भी रचना की। उनकी इस रचनात्मकता से प्रसन्न होकर ही इंद्र देवता ने भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी का सम्मान दिया था। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा देवों और दानवों तथा मानवों के शिल्प शास्त्र के कर्ता धर्ता और औद्योगिक शिल्प कला के सृजनहार माने जाते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान विश्वकर्मा ने आधुनिक अस्त्र शस्त्र व अत्याधुनिक रथ की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्र के लिए अमरावती और कुबेर के लिए अलकापुरी और पुष्पक विमान की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा ने पृथ्वी पर भी कई नगरों की रचना की है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही नदियों, तालाबों, झीलों, पर्वतों आदि की रचना कर मानव जीवन को प्रकृति की ओर से अनोखा उपहार दिया। भगवान विश्वकर्मा ने ही लौह कार्य, काष्ठ कार्य, धातु कर्म और मिट्टी कर्म आदि उद्योग लोगों को सिखाए। पुराणों में यह भी जानकारी मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही भगवान विश्वकर्मा ने वृंदावन की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा 8वें वसुप्रभास ऋषि के पुत्र हैं। इनकी माँ का नाम योगी सिद्धा है, जो कि देवों के गुरु बृहस्पति की बहन है। भगवान विश्वकर्मा का विवाह प्रहलाद की पुत्री विरोचना देवी से हुआ था। इनके 5 पुत्र और 5 पुत्रियां हुईं। इनके पुत्रों का नाम पुत्रमनु लुहार, मय सुतार, त्वस्ता कंसारा, शिल्पी कुकड़िया और देवज स्वर्णकरा तथा पुत्रियों के नाम रिद्धि, सिद्धि, संज्ञा, ऊर्जस्वती और पद्मा है। इनमें से रिद्धि और सिद्धि का विवाह भगवान गणेश जी के साथ हुआ। संज्ञा का विवाह सूर्यदेव तथा ऊर्जस्वती का विवाह शुक्र व पद्मा का विवाह मनु महाराज के साथ हुआ। भगवान विश्वकर्मा की पूजा देश भर में की जाती है। कई देशों के शिल्पी भी पूरे विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे और उद्योग व उनके कारोबार में वृद्धि होती रहे।